उत्तर प्रदेश के 55 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं का इंतजार आज खत्म हो गया। यूपी की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे घोषित कर दिया गया, जिसमें एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मार ली। 10वीं क्लास में 89.55% स्टूडेंट्स पास हुए, जबकि 12वीं कक्षा में 82.7% छात्र परीक्षा पास कर गए। यूपी बोर्ड के हेडक्वार्टर प्रयागराज से 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। यूपी बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर महेंद्र देव और सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने इसका ऐलान किया, जिसके मुताबिक 10वीं में सीतापुर की प्राची निगम ने टॉप कर प्रदेश का नाम रोशन किया है, तो वहीं 12वीं में शुभम वर्मा ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया। जानकारी के मुताबिक प्राची निगम को टोटल 98.50% अंक मिले हैं। रिजल्ट 89.55% और इंटरमीडिएट का 82.60% रिजल्ट है। कुल 55,25,342 परीक्षार्थी पूरी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और ये पूरी परीक्षा 22 फरवरी से 9 मार्च तक संपादित कराई गई थी और इसका मूल्यांकन कार्य 30 मार्च को समाप्त हो गया था। जो भी छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वो यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बता दें कि पिछले साल यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 89.78% और 12वीं का रिजल्ट 75.52% रहा था। इस लिहाज से देखा जाए तो 10वीं में थोड़ा कम लेवल रहा, जबकि 12वीं में नतीजे पहले के मुकाबले अच्छे रहे। बता दें कि 22 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई थी, जो 9 मार्च तक चली थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।